बॉयज, आज हम रिव्यू करते हैं तिजनिया तिरेंजिका लेडेनो नैरो कप। ये है जी बोटो, ठीक है। और इसको कंपेयर किया जाता है ब्लैक अफगानो से बाय नस्मातो, ठीक है। वो बोटल बहुत एक्सपेंसिव है, 30 ml की तकरीबन आपको मिलेगी, अराउंड 25-30,000 की। और ये आपको 100 ml का मिलेगा सेम प्राइस का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं और इसके नोट्स के हवाले से जानते हैं। स्टे ट्यून, थैंक यू। वेलकम बैक गाइस। और ये जी बॉक्स, इसका नीच बॉक्स है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, प्राइस के हवाले से मुझे बहुत अच्छा मिला है इसका। मैं कहूँगा कि काफ़ी आपको डिस्काउंट वगैरह आजकल है इस पर। और अगर आप इसके बारे में आपको सुना है, क्योंकि इसको कंपेयर किया जाता है ब्लैक अफगानों से, तो इस तरह बॉक्स खुलता है जी, ठीक है। और इसके अंदर ये एक बुक थीम के बारे में, लीफलेट वगैरह हर चीज़ है, ठीक है। और तिजनिया तिरेंजिका, ठीक है, इनकी हिस्ट्री वगैरह है, इटालियन हाउस है, ठीक है। और यहाँ इसका बैच कोड वगैरह है, ठीक है, नाइस। यहाँ इसके कहाँ लिखे हैं, मेड इन इटली आई थिंक। और ये जी एक्सल बोटो, ठीक है, नाइस बोटो है। जैसे कहते हैं ना कि रिफाइंड की भी बोटल है, मुझे बहुत अच्छी इनकी बोटल ये लगती है। इनकी और बहुत सारी बोटल हैं, लेकिन ये मुझे ज़्यादा है। इनके एक नए फ्रेगरेंस आए हैं, उन वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से मैं आपको कहूँगा, पहले आपको मैं स्प्रे दिखाता हूँ, उसके बाद नोट ब्रेक डाउन करता हूँ। स्प्रे के हवाले से काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बेस्ट नहीं है लेकिन डिसेंट इनका स्प्रे है, ठीक है। तो इसकी जब मैं आपको नोट्स ब्रेक डाउन करता हूँ, उसमें आपको टॉप नोट्स में आ जाता है कॉन्कक, तंबाकू, एम्बर, वॉमवुड, मिथ, रोजमेरी। मिडिल नोट में आ जाता है एश, ब्लैक, सीडर, सैंडलवुड, रोजमेरी, रेड रोज, ओक, लेबनम, एगरवुड, ऊद, जैसे लॉरल है, कश्मीर मस्क है, मस्क करवाती वाला है। इस फ्रेगरेंस को कंपेयर किया जाता है ब्लैक अफगानों से, और लेकिन प्राइस के हवाले से ये बेटर है, परफॉर्मेंस के हवाले से ये बेटर है। लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने मेरे ख्याल में ज़्यादा ब्लैक अफगानों के बारे में सुना होगा, इसको कम ही सुना होगा। लेकिन इसको कंपेयर किया जाता है क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाते हैं। अगर आप दोनों हैंड पे जैसे आप स्प्रे करते हैं, आपको कोई सिमिलरिटी नज़र नहीं आती, लेकिन थोड़े अरसे के बाद, जैसे आधे घंटे के बाद, ये काफ़ी तकरीबन सेम ही लगते हैं, ठीक है, स्मेल के हवाले से। तो इसकी जो कि प्राइस है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 110 pound मिल जाती है, तो अप्लाई होकर के 30 ml, ये 100 ml है, वो आपको इतनी प्राइस में मिलेगा। और इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नोट्स हैं, इसमें ज़्यादा स्वीटन हो जाता है, थोड़ा सा वेरिएबल हो जाता है। ब्लैक अफगानो नो, आपको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलेंगे, वो टेरिंग फ्रेगरेंस है बहुत ज़्यादा। प्राइस के वाले से 30 ml, आप 100, लाइक आप 35-25 हज़ार एक 30 ml का कौन पे करता है, ठीक है। कम से कम आपको 100 ml तो मिले, या 50 ml तो मिले। और दूसरा ये है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, क्योंकि रिफॉर्मुलेशन हो गया। पहले वाला आई थिंक 2014-15 का था, वो स्ट्रॉन्ग था। ये रिलीज़ हुआ था 2014 में, यूनिसेक्स है, कुछ लेडीज़ भी इसको पहनती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। डिफरेंट पर्सनैलिटी होता है, प्रोजेक्शन वाले से 2 से 3 घंटे प्रोजेक्शन इसकी, ठीक है। और सियाज के वाले से 1 से 2 फीट है फर्स्ट 2 आवर्स, फिर थोड़ा क्लोज्ड स्किन हो जाता है। आपकी स्किन पे अराउंड 10 to 12 आवर्स रहेगा, कपड़ों पे ज़्यादा रहेगा, और मैं ज़्यादा कपड़ों पे लगाता हूँ, क्योंकि कुछ फ्रेगरेंस है मेरी स्किन पे मैच नहीं करते और स्मेल थोड़ा फनी देते हैं। जैसे मैं फ्रेगरेंस का रिव्यू करने वाला हूँ, सर्वी ऑफ मोर देन वर्ड्स, ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस है, रोज़ ऊद कम्बो है। मेरी स्किन पे फर्स्ट 2 डेज इतनी केमिस्ट्री अच्छी नहीं थी, फिर 3rd डे मुझे स्मेल ज़्यादा बेटर लगी,
लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कपड़े पे लगाऊँ। ये फ्रेगरेंस एज के हवाले से, अगर आप मच्योर इनफ हैं, आप इस फ्रेगरेंस की क्या कहते हैं कि इसमें इस फ्रेगरेंस के हवाले से आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी यूज़ कर चुके हैं, मेच्योर नोज हैं, डेफिनेटली आपका कह सकते हैं आपको डार्क, लेकिन पाकिस्तान में ये कम फ्रेगरेंस पहने जा सकते हैं, उसकी वजह क्या वेदर है, ठीक है। बेसिकली ये विंटर बेस्ड फ्रेगरेंस है और प्रोजेक्शन के हवाले से ज़बरदस्त है, लॉन्गजीविटी इसकी ज़बरदस्त है, प्राइस की वैल्यू से ज़बरदस्त है, नीश हाउस है, नाइस प्रेजेंटेशन है। मैं नहीं समझता कि अगर आप ये कहेंगे कि ये इतना अच्छा नहीं ब्लैक कॉर्नर से, पर्सनली मैं इसको ज़्यादा, क्योंकि प्राइस के हवाले से मैं इसको ज़्यादा लाइक करूँगा। ब्लैक कॉर्नर का मैंने एक बार अफगानों का टेस्ट क्या कहते हैं इस्तेमाल किया एक बार, लेकिन आज नहीं, 4-5 साल पहले की बात है, उस टाइम ब्लैक अफगानों बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन अब तो वो 30 ml की बोतल बना के वो मज़ा नहीं रहा। लेकिन ये आपको प्राइस के हवाले से, गाइस अगर आप कुछ फ्रेगरेंस ओरिजिनल लेना चाहते हैं, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, ठीक है, और मैं आपको भेज सकता हूँ पाकिस्तान ओरिजिनल फ्रेगरेंस होंगे, ऑब्वियसली आपको डिलीवरी के चार्जेस होंगे, लेकिन ये है कि आपको एटलीस्ट ओरिजिनल मिलेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी प्राइस पर ढूँढ के आपको भेज दूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं मुझे बता सकते हैं, ठीक है, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए मेरे चैनल को, ये आप लोगों का ही चैनल है, ठीक है, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।